आज वीकेंड है और हमारा प्लान है कि हम आउटडोर में कुकिंग करें। मौसम बहुत खुशगवार है, इसी हिसाब से हमने सोचा कि हम नेचर में जाएं और वहां पे कुकिंग करें। ये जगह यहाँ पे हम आए हैं, ये मौसम के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। साथ में समंदर है और बिल्कुल साथ में जंगल भी है, बीच में ग्रीन एरिया है। यहाँ पे बारबेक्यू के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है। इजलाल भाई ने फैमिली के साथ ज्वाइन किया है हमें आज। इजलाल भाई का ताल्लुक स्कर्दो गिलगित बल्तिस्तान से है, वो भी यहाँ पे इस्टोनिया में रह रहे। इजलाल भाई से एक डिस्कशन हमने करनी है, अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। इनको काफ़ी आइडिया है यूरोप के हवाले से, तो इनका फील्ड आईटी है, तो इस हिसाब से कुछ गाइडेंस के लिए जो यहाँ पे आना चाहें या जिनको कोई इंफॉर्मेशन हो चाहिए हो, उनके लिए प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके। चिकन का बारबेक्यू कर रहे हैं, जिसके लिए हम चिकन घर से ही मैरिनेट करके ले आए। आग लगाने के लिए इजलाल भाई का कहना है कि हम थोड़ा लकड़ी भी यूज़ करें, तो इसलिए इजलाल भाई जंगल से लकड़ी तोड़ के ले आए हैं। ये साथ में आपको नज़र आ रहा है, ये लोग भी कोई बारबेक्यू टाइप कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ में ही हमसाये में ये लोग भी। जंगल में इस तरह से आग लगाना अलाउ नहीं है, इस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्पेशली जगह कुछ बनाई हुई है जहाँ पे हम बारबेक्यू कर सकते हैं या जहाँ पे हम आग लगा सकते हैं, प्रॉपरली डिज़ाइंड है। इसके अलावा कहीं पे भी हम अपनी मर्जी से करें तो वो इलीगल है। बारबेक्यू तैयार हो गया है, बिरयानी हम घर से ही बना के लाए थे क्योंकि आउटडोर में बिरयानी बनाना काफ़ी मुश्किल है, तो इस वजह से घर से ही लेके आए। चिकन बिल्कुल अंदर तक पक गया है, हमें लगा था शायद अंदर कच्चा हो, लेकिन बेहतरीन टेस्ट है। यहाँ पे हमने कुकिंग की है,
इससे इसी जगह पे ही सामने जिस तरफ हम अभी जा रहे हैं वो जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इधर सामने बिल्कुल व्यू आ रहा है समंदर का, ये बाल्टिक सी है। इस जगह से आप तालिन सिटी को भी देख सकते हो। ये साइकिल ट्रैक बना हुआ है जो स्टार्ट होता है सिटी सेंटर से और ये काफी आगे तक जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना किलोमीटर है, लेकिन ये काफी लंबा ट्रैक है, तो लोग ज्यादातर वीकेंड्स पे यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए नजर आते हैं। इजलाल भाई को मॉडलिंग का शौक हुआ तो कुछ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कोयलों के ऊपर चाय का बड़ा मजा आता है, इसीलिए हम चाय बना रहे हैं इधर। इजलाल भाई के बेटी का नाम महरमा है। हमारी कोशिश होती है बच्चों को हम आउटडोर एक्टिविटीज करवाएं। चाय बना भी बहुत टेस्टी है, इसमें कोयलों की खुशबू है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हमारा YouTube चैनल योरो हुंजा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।